हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स गॉसिप। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू भुजिया नमकीन। बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी कि घर पे बनी हुई नमकीन खाएं, और मैंने कभी बनाई भी नहीं। एनीवेज आप लोगों को बता दूं तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू भुजिया नमकीन। हम लोगों ने खाना वाना सबको खिला दिया है, और अब माँ और मैं बैठ के नमकीन बनाने वाले हैं। देखते हैं कैसी नमकीन बनती है। घर की तो ठीक ही बनेगी मेरे को लग रहा है। क्यों, ठीक ही बनेगी नमकीन? हालत देखो आपकी, फिर मेरी भी कैसी हो रखी है। कोई बात नहीं, चलो चलिए आपको फिर दिखाते हैं कि हम नमकीन कैसे बना रहे हैं। टेस्टी होगी तो भी बताएंगे, और गंदी बनी होगी ना तो वो भी आपको सस्ते बताएंगे कि बेकार बनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3 आलू ले लिए हैं। देखो अभी हम लोग थोड़ा बना के देख रहे हैं, तो इनको मैश कर लेते हैं। इसको आप ग्रेट भी कर सकते हो वैसे ना। तो इसमें हम नमक मिर्च ऐड कर देते, इतना काफी है माँ? ज्यादा ही नमकीन ना हो जाए माँ, अभी बेसन भी पड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा मैंने कलर वाली मिर्च भी डाली है ताकि इसमें कलर आ जाए। हल्दी को थोड़ा सा ही रखते हैं। ठीक है, नमक और डालूं वहां फिर क्या? नहीं नहीं, ज्यादा भी तो नहीं है। और ये किचन किंग, किचन किंग डाल देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए हो गया, अब इसको मेरे को मिलाना है। ये मैंने ले लिया स्पून, और इसमें हम लोग कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं। यहाँ से तो मसाले डाल देंगे तो मेरे व्यू की वजह से। तो इसमें हमने कस्तूरी मेथी डाल दी है, अभी हम इसको मिला रहे हैं। तो ये हमने सारा अच्छे से मिला दिया है आलू को। अब इसमें हम बेसन मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे, पहले इतना मिला के देखते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है तो इसमें थोड़ा सा आप तेल भी डाल सकते हैं। तो ये डो हमारा कुछ इस तरीके का रेडी हुआ है, आप लोगों को भी इस तरीके का ही रेडी करना है। ठीक है, मैं अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इसको मैंने ग्रीस कर दिया है, अपने हाथों को भी मैंने ग्रीस कर दिया ऑयल से। अब छोटा सा डो लेके देखते हैं। लेट्स सी मा कैसा बनता है। गैस कम कर, मेरे ना हाथ फिसल रहे हैं। तूने दूसरे हाथ पे नहीं लगाना था ना? मैं ऐसे कभी कर लूं? हाँ हाँ, गरम हो रहा था। हाँ भी यही है कि गरम होगा, कर सकती हूँ। मेरे जल जाएगा, गर्म हो गया। ये निकले हमारे कुछ भुने हुए। जल्दी जल्दी हो नहीं रहे हैं। इसमें करो करके देखो, निकालना है इसी से।
एक जगह पर मक्खन फैलाती जा रही है। ये हमारे पास मशीन नहीं है ना, इसलिए हमें कुछ जुगाड़ करके करना पड़ रहा है इसको। हो जाते हैं तलने के बाद अपने आप हो जाते हैं वो अलग अलग। मन्नू जल रहे हैं बेटा, जल्द गैस बंद कर दो। ये गैस तेज है ना, कम वाले में करना पड़ता है। बंद कर दो ये वीडियो और इसको निकाल लो। ये देखो ये दे हमारे ये जल रहे थे, तो इसलिए माँ अब एक साइड में ऐसा कर ले क्योंकि वहां पर बहुत गर्म हो रहा है। और नीचे तेल लगा दिया हमने प्लेट में, यहाँ पर माँ ऐसे कर रही है, फिर हम इसको यहाँ पर डाल रहे हैं। दे तो वो हम 20 रुपए की नमकीन पे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं और माई होली उतरी है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, घर की चीज बनी हुई है तो बढ़िया ही होगी। कभी कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, क्यों क्यों करना तो चाहिए, लेकिन जिसकी आप बता रही है ना उसी को पता है। माँ मैं नहीं कर रही है, माँ मैं नहीं कर रही है, बोलो इनको साइड कर। ये देखो कुछ जले हुए बने थे हमारे पहले, क्या जले हुए को अलग निकालो, रहने दे मिक्स करके खा लेंगे। हमारी तो खाना किसी को देना थोड़ी है, बने तो करा रहे हैं, कर कर आवाज आ रही है। हमारे पास मशीन जो है हमारी कोर द्वारा रह गई, इस वजह से बताओ माँ हम पे क्या बीती होगी ना कि हम रात को खाना वाना सबका करने के बाद हम ये कर रहे हैं, क्या करें, समय की बहुत शॉर्टेज है, इस वजह से हमें जब समय मिल जाता है ऐसा कुछ करने का हम कर डालते हैं। क्यों माँ, वैसे हम बनाते नहीं ना तो हमें आदत नहीं है ना ऐसे, जब जो लोग बनाते रहते हैं बताओ, कई लोग नहीं बनाते रहते हैं, उनको प्रैक्टिस हो जाती है ना। हाँ प्रैक्टिस हो जाती है, सही बात है। मैं कभी साल में एक बार बनाती हूँ तो बना दूँ, अब जैसे होली में बनाते हैं। हाँ
मनु हमारी शक्ल देख कैसे वही तो जैसे पता नहीं कितना पीट रखा हमने बन तो सही दिया मैं जैसे मेरा फास्ट है तो कल मैं खा सकती हूँ इसे शाम को नहीं खाना चाहिए नहीं खा आलू बेसन ही तो है आलू बेसन है मैं मानती हूँ लेकिन जब तो व्रत खोलेंगे उसके बाद दोबारा नहीं खाना चाहिए या तो तभी खाए जब खाना खा रही है एक बार खाना खाने के बाद फिर दोबारा नहीं खाना चाहिए ना तो देखिए कुछ ऐसी बन रही है हमारी ये नमकीन अब देखते हैं खाने में कैसी होगी ये कुछ यहाँ पर बन चुकी है आर एक्सपेरिमेंट वो भी रात के 10 बजे तो ये हम लोगों ने देखो नमकीन बनाई है कैसी बनी है कमेंट करके जरूर बताइएगा लग तो अच्छी रही है वहां वैसे ना है ना जूठा निकाल दिया अलग से खा कैसे खा लिए सीवी से निकाल के अच्छा यार कौन सा मेहमानों को देनी है अलग से निकाल थोड़ा सा अरे कौन सा मेहमानों को देनी है व्यू कैसी हो रही है नमकीन विवियन कैची होली है व्यू कैसी हो रही नमकीन तो देखिए हमारी नमकीन बन गई है कुरकुरी सी बनी है हमारी नमकीन ये टेस्टी आपको आवाज आ रही होगी ये मैंने टेस्ट की थी ना तो मार मेरे सर पे मारा कि ऐसे जूठा नहीं करते वैसे निकालते हैं अभी भी वो जूठा कर रही है तो जो जलावा नहीं खा के देते हैं थोड़ी सी जलान आ रही है इसमें थोड़ी सी बढ़िया लो बहु खिला दिया आपको तो हम लोगों ने नमकीन खाई हम लोग को बहुत टेस्टी लगी आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मार के लियो चल चल करने को नहीं आ रहा नोटिफिकेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो भले हमसे थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा सुंदर दिखने में नहीं है लेकिन खाने में अच्छी हो रही है नमकीन तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा बाय बाय।